के गरीब आदमी, हमनी के मजूरी कर के खाए वाला आदमी, हमनी के बेखेती वाला आदमी, हमनी के मर दे के उठा ले जा गइल वाला दुआर पर, ना उनका से कुछ लेना बा ना कुछ देना बा। अपने गोरु बछर में लागल रहे आदमी, अथी कर धरत रहे आदमी, गइलो ना रहे आदमी, आई सब बोला के बैठा लियल सब। एक तरफ देवरिया हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गरीब आदमी, हमनी के मजूरी करके खाए वाला आदमी, हमनी के बेखेती वाला आदमी, हमनी के मर दे के उठा ले गइल वाला दुआर पर, ना उनका से कुछ लेना बा ना कुछ देना बा। देवरिया हत्याकांड के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कई लोग फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। यह मृतक प्रेमचंद यादव के घर के पीछे का इलाका, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नजर आ रही होंगी, क्योंकि आरोप है कि यहां के पुरुषों को पुलिस उठा कर ले गई है। वहीं कई लोग पुलिस के डर से फरार हो गए हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि बिना किसी कारण के इनके घर के पुरुषों को पुलिस उठा ले गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की नृशंस हत्या हुई, जिसमें 16 लोगों को जेल भेजा गया है। हम इस समय मौजूद हैं फतेहपुर के अभयपुरा टोला में, जो प्रेमचंद्र यादव के मकान के ठीक पीछे ये पूरा घर है। आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जो पुरुष है घरों के, वो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं घरों के, और पुरुष जो है बताया जा रहा है कि जेल भेज दिए गए हैं। उनकी उनमें से कुछ उनकी माता जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमको आता नहीं, हम नहीं बोला। नहीं, नहीं बता रही। आप कौन 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 लोग गए हैं आपके घर के? आपकी मदद होगी इससे, इसलिए कह रहा है। तीन लड़का, बेचू, पसराम, प्रदीप। अच्छा, हाँ जी। बिना खदी बदी के उस समय क्या कर रहे थे लोग जब? बस वहाँ दुआरे पर घर में से निकल लो, गाड़ी ले आके यहाँ ठड़िया के लात के लेकर चल गए लोग। कौन तू कही? अच्छा, अरे जवन कहना सा तहाँ कहना सन, हम लोग कौन कर। आपके तीनों आपको बेटे हैं आपके? आमन बेटे ना, एगो नाती है। दो बेटे? हाँ, वो एक जाने देवर लगी है, एक बेटे लगी है। तो बताओ इससे न कार होता है? तब तो केहू न बेटी बहन के लेकर भाग जाइ लो, अभी है ना धर्म बा। अच्छा, तो उस दिन जो घटना हुई थी, इन लोग गए थे क्या भीड़ भाड़ में? सुनिए सर, ऐसा बात बा, अभी यहाँ कोनो घटना हो जाए तो टोला पर के लोग नहीं आ सकता है। अब एजा के लोग क्यों जानते नहीं रहे, एजा के लोग क्यों जानते ना रहे। जब वो टोला पर के आये आदमी दौड़ल गोइल, तो दौड़ गोइल आदमी, तो हमन के लाश न जनिया न मार देखनिया, हमन के कुछ नहीं देखनिया। कुछ नहीं देखल आदमी, छाटी पानी गोरु बछर मजूर आइले। लालमती नाम है। आपके भी घर के कोई गया है? नहीं के मर रद हमार बेटा गोइल बन। अच्छा, अपने हां अपने गोरु बछर में लागल रहे आदमी, अथी कर धरत रहे आदमी, गोइलो ना रहे आदमी, आइल सब बोला के बैठा लियल सब। मतलब उस दिन भीड़ में ये लोग गए? नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं। घटना सुने तो नहीं गए थे? नहीं, हमने के नहीं जगह बुनी पड़त रहे, झिमिर झिमिर बुनी पड़त रहे। अच्छा, चौकी पर बैठल आना आके लेके चल गए लो। आपके क्या नाम है? आपके भी घर के कोई लोग गए हैं? नहीं, बताइए क्या हुआ था उस दिन? हम नहीं बोल पाए। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ था उस दिन? जो है आपके घर के भी कोई गए हैं, जेल गए हैं? हमारे बसुर उनका आदमी गए बन, फिर इनका राजभर में कितने लोग गए हैं जेल यहाँ पे? खाली हम अपने टोला पर का तीन जने के जानत हानी। अच्छा, तीन ठो हमनी के गरीब आदमी, हमनी के मजूरी करके खाए वाला आदमी, हमनी के बेखेती वाला आदमी, हमनी के मर दे के उठा ले जा गइल वाला दुआर पर, ना उनका से कुछ लेना बा ना कुछ देना बा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपने सामांगे के लड़का के चाहत नी, ये घर का हमारा दून बेटा। उस दिन जो घटना हुई थी उसमें क्या क्या मालूम पड़ा था आप लोग उस दिन? हम कुछ नहीं की जा, हमने के का जाना था अपने दुआरे पे बांध जा, पानी चला चला खेत में से नहीं जा बहन, मनी के आके मशीन धरा था तो लोग आ गई लो, आके उठा ले गई लो। मतलब ये लोग गए नहीं थे? नहीं, पानी चलता रहे वो कुरना की खा ले। तो देखा आपने कि ये राजभर के लोग यहाँ पे हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनकी माँ है, बच्चे हैं। यहाँ से तीन लोगों को जो जेल गए हैं, उसमें तीन लोग शामिल हैं जो पुलिस यहाँ से उठा कर ले गई है। और इन लोगों की खासा नाराज़गी है कि इन लोगों का, इनके बेटे का या इनके पति का या इनके देवर का उसमें हत्या में कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस
जबरिया जो है उठा कर लेकर चली गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव की महिलाएं परेशान हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस बिना किसी कारण बस पुरुषों को उठा ले जा रही है। आपको बता दें कि जमीन विवाद को लेकर सोमवार को प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, फिर सत्य प्रकाश दुबे समेत उसके परिवार के 5 लोगों की भी हत्या कर दी गई। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।